अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवेयरनेस सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएसपी तहसील ऑफिस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को ये नहीं पता कि उनके एरिया में जो है वो तहसील ऑफिस किधर है बीएसपी की, क्योंकि बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। मतलब आप पेमेंट लेने जाते हो, डिडक्शन का मसला हो जाता है, कार्ड के साथ कोई इशू हो जाता है, कार्ड चेक करवाना होता है, एटीएम पर जो आप जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो आपके मसले का हल जो है वो आपकी करीबी तहसील ऑफिस से ही आपको जो है वो मिल सकता है। तो उसके लिए आपको जो है उसका एड्रेस होना लाजमी है। और आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ एक बीएसपी तहसील ऑफिस की पूरी लिस्ट होगी, पूरे पाकिस्तान की लिस्ट होगी, पूरे पाकिस्तान की कोई भी ऑफिस अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो आपको बहुत ही ईजीली मिल जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अपडेटेड लिस्ट है, आपके साथ मैं शेयर करूँगा। आप जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में इसकी होगी, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको वो पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, जिसके थ्रू आपको फ़ोन नंबर्स भी मिल जाएंगे, उनकी जो है वो करंट एड्रेसेस भी मिल जाएंगी। तो आपको जो कोई मसला मसाइल हो तो आप उनके पास ही जाकर उनको बताएं कि भाई हमारे साथ ये डिटेक्शन का मसला हो रहा है, हमारे साथ जो है वो कार्ड का ये इशू आ रहा है, और हमारे कार्ड के साथ जो है वो डिवाइस पर एरर आ रहा है। तो बहुत सारे जो एरर्स होते हैं वो बेनिफिशरीज को पता नहीं होता कि इसका जो है वो क्या हल है, क्या करना है। इस तरह से जो बहुत सारे बेनिफिशरीज के कार्ड्स जो हैं वो डी क्रेडिट हो गए हैं। डिग्रेडेड इसलिए होते हैं कि भाई उसका थंब नहीं लग रहा था, उसने जो है वो कंप्लेन भी नहीं की, छोड़ दिया ऐसे। तो ऊपर ये मैसेज जाता है कि ये बेनिफिशरी शायद इसकी डेथ हो चुकी है, इस वजह से वो कार्ड डिग्रेडेड हो जाता है। तो वो सालों से डिग्रेडेड पड़े हुए हैं, हालांकि बेनिफिशरी भी ज़िंदा है। तो उनको ये तरीक़ेकार का नहीं पता कि भाई वो कार्ड खुलवाना कैसे है। तो इसके लिए आपको बेटर जो गाइड करेंगे वो बीएसपी तहसील ऑफिस वाले ही करेंगे, क्योंकि इसके लिए जो होता है मैं आपको बता देता हूँ कि वो थंब वेरीफाई करवाना पड़ता है ई सहूलत का, नादरा ई सहूलत होता है। जिनके डिग्रेडेड कार्ड्स होते हैं वो ई वहाँ पर थंब लगवा के अपने कार्ड्स जो हैं वो खुलवा सकते हैं। तो लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। तो आपको जो राइट इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बीएसपी तहसील ऑफिस से ही मिलती है। तो इस वजह से ये लिस्ट आपने जो है वो डाउनलोड कर देनी है, और अपने जो एरिया की ऑफिस है कम से कम उसकी एड्रेस आपके सामने होनी चाहिए। तो आप ये लिस्ट जो है वो ज़रूर डाउनलोड कर लेना, इंशाल्लाह आपको बहुत काम आएगी। और कोई कुछ सवाल हो, कुछ पूछना हो इसके मुतालिक, तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह बता दूंगा मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी। और दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।